अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सर? तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर अचानक में ऐसा क्यों बैठा हुआ। तो हम लोग वापस आ चुके हैं लोनावले से और एंड करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन चलो, इसका स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो पहला पार्ट डाला था उसके अंदर सरप्राइज था कि वहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो इसको आप कंटिन्यू देखो, आगे आपको पता चलेगा, मतलब पोल खुलेगी किस लिए गए थे, कौन सा क्या था। हाजी भाई बोल नहीं पाएंगे, बहुत सीरियस ही गेम खेल रहे हैं। आपको सबसे पहले ये कि ये मेरा दिखाना रूल है। मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरह से, अब मैं भगा रहा हूँ गाड़ी। और ये यहाँ पर एक थिएटर रूम भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें गेम्स वगैरह होते हैं। तो सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं ये व्लॉग का, और हम जो चीज़ के लिए आए थे कुछ देर कुछ टाइम बाद आपको इसी वीडियो में हम लोगों को दिखेगा कि हम लोग यहाँ पर जो था सरप्राइज क्या था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ एक्चुअली, ये बंगले के अंदर एक्चुअल बना हुआ है, एक थिएटर बना हुआ है जिसके अंदर आप आराम से बैठ के या लेट के आप स्क्रीन के ऊपर टीवी देख सकते हो और मूवीज वगैरह देख सकते हो। और फिलहाल तो मैं गेम खेल रहा हूँ जो मिशन फेल हो चुका है मेरा। देख सकते हो आप, मेरा एक मिशन था जो फेल हो चुका है। और इसी तरह से बहुत ही मेरे को सब एक्चुअली सबसे अच्छा ये लगा। अरबस क्या बोलता भाई तू? एकदम सही है, सुकून एरिया है, एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और गेम है, आराम से बैठो खेलो, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बैठ के तुम टाइम पास कर सकते हो। जैसे कि सब लोग ऊपर रेडी हो रहे और हम लोग को कुछ काम नहीं था, तो हम लोग बोले कि चलो नीचे गेम खेलते बैठते हैं। तो हम लोग गेम खेल रहा हूँ मैं, और ये बंगला जो है ये वापस से एक बार मैं आप लोगों को यही वीडियो में एंडिंग में पूरी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। मेरे को तो अच्छा लगा, स्पेशली ये जो रूम है थिएटर, जिसको थिएटर का नाम दिया गया कि थिएटर रूम है, तो थिएटर रूम मुझे बहुत पसंद आया। तो अरबाज क्या बोलेगा तुम्हें? एकदम बेस्ट एरिया है, पूरे बंगलों का बेस्ट एरिया है, हम लोग का फेवरेट एरिया एक्चुअली। थिएटर भी है और PS5 मिल गया है हम लोग का हाथ में जो चाहिए था, तो ट्रिप वसूल है। मिशन के लिए टिक मिलते और आगे। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो आ चुका है, जिस सरप्राइज के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो अभी बस कुछ टाइम में होने वाला है। तो मैं बता दूं कि हम लोग सब जितने भी है सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख सकते हो साड़िया पंजाबी, क्या हुआ सानिया पंजाबी। और ये देख सकते हो अली, हाँ। है। और यहाँ पर आइए बॉस, यहाँ पर आइए। तो देख सकते हो हम लोग सब आपको ब्लैक में नजर आ रहे हो, सिर्फ यही वाइड में, क्योंकि ये मोहतरमा का आज बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लोनावला आए थे। यही सरप्राइज था और कुछ ज्यादा भारी वाला सरप्राइज नहीं था, यही बस 80 किलो का भारी वाला सरप्राइज है भाई। 80 किलो वाला सरप्राइज है ये और कुछ नहीं है। तो आगे जो भी होते रहेगा हम लोग बताएंगे। बर्थडे है साजिया की, तो ये वही सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लोनावला आए थे और माशाल्लाह बहुत मजा आ गया हम लोगों को। ये देख सकते हो, माय गॉड, ओए दोनों गाल में खट्टे तो देखो। तो चलो आगे जो जो होते रहेगा इंशाल्लाह बताते रहेंगे। तो देख सकते हो साजिया को, अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर ऊपर साजिया ऊपर, हाँ आ गया। अच्छा नहीं नहीं वो तो बोले ना, क्या बात है, तो देख सकते हो बर्थडे गर्ल आ चुकी है। दूसरी गर्ल नहीं है, खत्म हो गया, छोड़ो क्या क्या होगा, नहीं होगा तो 12 बजने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू स्टार्ट एक सॉन्ग सॉन्ग है कि बेटे का चलो सॉन्ग करना। तो यहाँ पर सब खाना वाना चालू हो चुका है, खाना खाना अरबाज खा के उठ गया है, वो पहले ही खा लिया ताकि वीडियो में ना आवे। और इसके आगे कुछ भी जो भी होगा आगे इंशाल्लाह बताइए। केक कट चुका है, बहुत सारी मजाक मस्तियाँ, बहुत धमाल मचा लिए हम लोग ने। अभी हम लोग भी थोड़ा शांति में बैठते हैं और आगे जो होगा बताते रहूँगा। चलिए हम लोग की सब पैकअप करने की तैयारी चालू हो चुकी है, मैं रेडी हो चुका हूँ, सब लोग रेडी हो रहे हैं और बड़े गर्ल देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी रेडी हो चुकी है और काफ़ी मज़ा आए, काफ़ी इंजॉय किए। अभी नाश्ता वास्ता किए, ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद सब तैयार होने के लिए गए। मैं तो तैयार होकर बैठ गया हूँ और बाकी सब हो रहे और आगे जो जो होते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सब बंगले हैं और काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से, टेरेस से अलग ही व्यू दिखता है यहाँ का। तो आपने देखा होगा मैंने जो फर्स्ट व्यू डाला उसके अंदर। पार्किंग अवेलेबल है और ये हमारे देख सकते हो टाटा बाय बाय मिलेगा ऑफिस। और बंगले का जो वीडियो है मैं डाल दूँगा इस इंस्टा पर, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। देख सकते हैं पार्किंग के लिए भी अच्छी स्पेस है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पर। बर्थडे पार्टी, बर्थडे गर्ल, हाय हाय। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है और सुकून अच्छा लगता है यहाँ पर, माशाल्लाह अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बंगले के काम चालू है और यहाँ का जो फूड था हम लोगों ने खाया यहाँ पर, फूड भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये देखो यहाँ पर सब तैयारी चालू इन लोगों की। ये देखिए हमारी बड़ी साली साहिबा और ये उनके साहबजादे। साहब क्यों बोलते आखिर में सर? साहबजादे, अच्छा साहबजादे, साहब नहीं साहब। देखो कोई बोला, कोई बोला ऐसा। देखो मैच से पूरा सब दिखा रहे हो, ये देखो क्या है, देखो देख लो पूरा, देख लो ये देख लो खजाना। टेरिस पे आ चुका हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर आगे का जो है ये फ्रंट है और फ्रंट के यहाँ पर जो अच्छा माशाल्लाह मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ सब देख सकते हो फिर माउंटेन्स है यहाँ पर और मौसम भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया मौसम, आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है और स्पेशली यहाँ पर जो फूड अवेलेबल था यहाँ पर जो खाना मिला यहाँ पर और माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को पता है कि गावटी खाना ही होता है, चिकन ग्रेवी बोलो या फिर तुम पकौड़ाज वगैरह बोलो, कबाब वगैरह बोलो, तो ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये बहुत जोर का पटक रहा था क्योंकि हवा बहुत जोर की आई थी और ये पटकने वाला था और मैंने उसको पकड़ लिया। तो खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का और मज़ा आ गई, साजा की बर्थडे याद रहेगी क्योंकि बहुत इंजॉय किए, बहुत ही मस्ती किए और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब लेडीज़ थी स्विमिंग पूल में थे उन लोग सब चीज़, तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो कैप्चर नहीं किया क्योंकि समझ सकते हो कि मतलब लेडीज़ है और स्विमिंग पूल वगैरह मस्ती मजाक ये वो आपस की बातें, तो ये सब चीज़ें कैप्चर नहीं किया मैंने क्योंकि आप समझदार हैं। और आते रह गए यहाँ पर और आइए, हाँ और एक बताता रहा कि आप लोग जब भी लोनावाला में यहाँ पर आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ क्योंकि यहाँ का फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हम लोगों को सर्व की गई, चाहे वो आप रूम्स बोलो, रूम सर्विस बोलो या फिर खाना बोलो या यहाँ का एनवायरनमेंट बोलो, बहुत अच्छा था यहाँ का।
और मेरे ख्याल से मैं इसको 5 में से 4.5 दूंगा। ऐसे तो 5 देना चाहिए लेकिन 4.5 इसलिए क्योंकि आप लोग बोले कि आप पूरा 5 पे 5 क्यों दे रहा है। तो बहुत मज़ा आई, बारिश आई और मैं बारिश आई और मैं भाग रहा हूँ। हाँ तो बारिश शुरू हो गई है और मज़ा ये यहाँ पर बारिश का मौसम है, पहाड़ों के बीच में है और ये सब चीज़ें तो अच्छा लगता है। नेचर बहुत हमेशा नेचर जो रहा है वो खूबसूरत रहा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहा है। तो इंशाल्लाह अभी पता नहीं कब ब्लॉग बनाने का मौका मिले, लेकिन जब भी मिलेगा ब्लॉग आपके सामने लाऊंगा और अच्छी से अच्छी जगह इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देख सकते हो आप लोग, मैं बाहर हूँ अभी, मैं अंदर जाऊँगा और ये देख सकते हो ये है बंगला जिसकी बात कर रहा था मैं। और अंदर से आप लोगों को मैं जो वीडियो मैंने मंगवाया हूँ कि भाई मेरे को आपका बहुत अच्छा बंगला लगा, आप लोगों का सर्विस अच्छी लगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना क्या है क्या नहीं। और आपा चलो संभाल के जाओ, बाय बाय। और ये थोड़ा सा अच्छा बारिश की वजह से गंदा हो चुका है, लेकिन चलो बस में चलते हैं। तो चलो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए, लेकिन उसके पहले लोनावाला थोड़ा घुमा जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ट्रिप? बहुत अच्छी लगी, एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत। साजे का बर्थडे था और अभी बर्थडे ऑन है, देखते कब तक ऑन रहता है। जहाँ जहाँ जाएंगे आप उसका आपको मिलेगा अपडेट देते रहेगा। ये देखो सोनिया पंजाबी को देख सकते हो, माशाल्लाह फुल फॉग ही फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है आगे। रोड भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी फॉग है, इधर भी फॉग है, चारों तरफ फॉग ही फॉग। क्या बात है माशाल्लाह, देख सकते हो आगे गाड़ी बहुत ही धीमी चल रही है क्योंकि व्यू जो है सामने जो दिख नहीं रहा है क्लियर। भाई संभाल के चलाना। ये देखो कौन बोला, सोने पंजाबी बोली संभाल के चलाओ। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि फीलिंग अभी क्या चल रही है, क्योंकि अंदर ही एक्चुअली जज्बात बदल गए, दुआ दे के इन सबके जज्बात बदल चुके हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर ये पूरा, जब हम लोग आए थे तो पूरा फूक फूक था और जैसे मैंने आप लोगों को गाड़ी से दिखाया, लेकिन अब किस वक्त फूक जा चुका है और कुछ टाइम में वापस आएगा क्योंकि इधर आते जाते रहता है। और काफ़ी बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर, देख सकते हो। और ये देखो वीडियो बना रहा है हमारे, ये भी हाँ इसके वॉक का भी लेना भाई, ये देख लो इसके वॉक का ले लेना। तो देख सकते हो बैठे हुए यहाँ पर टेबल लग चुका है पॉइंट पे, और देख सकते हो वहाँ पर भी लोगों को होता है। देख सकते हो आप किस तरह से फोग यहाँ से वहाँ हो रहा है, और शायद अभी यहाँ पर भी शायद थोड़ी देर में फोग फोग हो जावे क्योंकि जो हिसाब से यहाँ पर बादल आ रहे हैं वो हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा फोग फोग हो जाएगा उस टाइम में ही। आपको पता है कि यहाँ पर आने के बाद हवा ठंड और बारिश का ये तो सीज़न है, बारिश में यहाँ पर आना, लेकिन हम लोग की वजह जो थी वो साजे के बर्थडे थी और आज उसका बर्थडे है, कल रात से सेलिब्रेशन चालू हो चुका है और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं हम लोग। आप लोग देख सकते पीछे पूरा धुआं धुआं धुए में हम, नशा नशा नशे में हम, देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो सोनिया पंजाबी वीडियो बना रही है, सोनिया पंजाबी शूट वूट चालू के लिए वहाँ, यहाँ पर तो अच्छा कैंसिल। अरे ये भाईजान सोनिया कुरैशी हो गई, पंजाबी नहीं है, बसे कुरैशी बोल। तो देख सकते हो सोनिया कुरैशी, शाइस्ता कुरैशी।
तो चलिए देखते हैं और कुछ, अभी तो पकौड़ा वकौड़ा आएगा तो दिखाते हैं क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, क्योंकि यहाँ का तो पकौड़ा मैगी चीज पकौड़ा ये सभी है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस ये देखो यहाँ पे धीमी धीमी बारिश हो रही है, हर चीज मैगी के मजे ले रहे हैं। बारिश में मैगी चीज मैगी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे एली? आप बहुत प्यारे मैगी, अभी तो टेस्ट भी नहीं कर रही है, किया जा किया 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 अरे मेरे माल में भी चीज है सोनिया को ऐसे सोनिया को हर चीज पसंद है जिसमें चीज है, और इनका कहना कि इनके माल में भी चीज है, पता नहीं कौन सा माल है ये माल है। तो देख सकते हो आप रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, तो हम लोगों को यहाँ पर स्टॉल में आके बैठना पड़ा, देख सकते हो आप लोग, तो देख सकते हो चारों तरफ धुआं धुआं और धुएं में भजिया। जैसा आप देख रहे हो हम लोग वापस से हम लोग आ चुके हैं बस में और हम लोग जा रहे हैं, निकल चुके हैं यहाँ से लायन पॉइंट टाइगर पॉइंट जो भी बोलते हैं जो भी पॉइंट है वो पॉइंट से ये अभी लायन पॉइंट है, अभी हम बुशी डैम जा रहे हैं, बुशी डैम जा रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि इसको बराबर तरीके से किया जाए, टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट में कंफ्यूज होता है बहुत। लायन लायन और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये दोनों को टाइगर पॉइंट लायन पॉइंट छोड़ के लाइगर पॉइंट ले लिया जाए। जितने भी मेंबर है अभी इनको छोड़ दो तो अभी यहाँ पे शिकार कर लेंगे, तो वही है सब वाइल्ड है, सबको कैसे वाइल्ड है, तो प्लीज उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, और आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, ले सकते हैं आप लोग तो चलो आगे जो भी होता रहेगा बताते रहेंगे। और ये देखो कुछ बोलना चाहोगे आप? इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलेंगे। और पीछे वाले कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहते हैं गाइस? लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ डाइट पे है ये बोलना चाहूंगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरबाज ने भी अपना ब्लॉग शुरू किया है, तो प्लीज सब लोग अरबाज को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अरबाज को सपोर्ट करिए। अगर मेरे इसमें प्रमोशन मिल रहा है तो तू समझ जा तू कौन से लेवल पे क्या होने वाला है। कौन से लेवल पे मारे कॉन्ट्रोवर्सी। तो देख सकते हम लोग जा रहे हैं भूसी डैम और यहाँ पर हम लोगों ने अपने चप्पल जो है चेंज कर दिए, शूज लेकर के वहाँ पर चप्पल ले लिए ताकि पैर जो गिला हो कुछ बना। देख सकते हो भूसी डैम यहाँ से चलते इतना घूम के क्यों जा रहे अली ना? अच्छा यहाँ से नहीं जाने देगा क्या? क्यों कहीं से भी जा सकते हैं ना। ठीक है चलो चलो ऐसे चलो चलते रहो। वो किसी की दुकान है, वो शॉप है वो किसी की। अरे रे सुने वो पहली बारिश की बूंदे पहली बारिश में। तो देख सकते हैं हम लोग चलते चलते यहाँ पर आ गए, बारिश हो रही थी रुक गए, कूलर की चाय पी हम लोगों ने यहाँ पर। और देख सकते हो ये मेरा जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ ये आदमी ब्लॉग बनाना चालू करता है। और बहुत बहुत ही देखो स्लीपी स्लीपी है पूरा, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं भी रहा है तो थोड़ा सा स्लीपी हो गया यहाँ पर समझे। अरे वीडियो बनाने में तो क्या हुआ, लेकिन मैं एकदम पकड़ के चल रहा हूँ हाथ, फोन तो आप पकड़ ही रहा हूँ लेकिन हाथ भी यहाँ से बराबर देखो किस तरह से हम लोग। चलो ऊपर पड़ के करता हूँ, हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं लेकिन टाइम अभी तक ओवरफ्लो नहीं हुआ, इसकी वजह से पानी नीचे नहीं आया है।
देख सकते किस तरह सूखा पड़ा हुआ है। ये मतलब सूखा डाल, फिर ये बहुत पानी है इसमें बीबी और भर रहे हैं। आ जाएगा एक्चुअली हम देखो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। ये देखो वाओ वाटर वाटर फॉल, सीधा अल्लाह ऊपर से भेज रहे फॉल। ये धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख सकते हो बड़े बॉय को आवाज हमारे गाल की इतने ऊपर ऊपर लेकर जा रहे। मतलब यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे वाटरफॉल है, कुछ वाटरफॉल कुछ भी नहीं है। मतलब वाह वाह चिल्लाते चिल्ला रहे हो बस। चिल्ला तो तुम भी रहे थे, बन गए थे वहां जाके सब। वाह वाह आपने देखा कि हम लोग भूसी डैम पे गए थे, लेकिन भूसी डैम पे तो पानी भी नहीं कुछ मिला नहीं, लेकिन हम लोग भीगते हुए आए हुए। ये देखो मैं भी भीगा हुआ दिख रहा हूँ फुल एंगल में। ये देखो ये भी भीग गई है, सब भीग गए, खाली ये लोग सूखे हैं। लोनावला आवे और यहाँ न रुके तो कैसा चलेगा। ये देखो पूरे बंगी बाबा सॉरी मंगी लोग हैं पूरे यहाँ पर, और यहाँ रुक के ये अगर ये सब चीज नहीं लिया जाए तो कैसा मालूम पड़ेगा कि लोनावला आए थे। ये तो स्पॉट ही आप लोगों को मालूम है, जिस तरह से जैसे मंकी यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं यहाँ पर हमेशा है रहते हैं, तो देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा व्यू। संभालना छीनने जो एक मेरा भी एक पीस बचा लो मेरे लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा फूगी फूगी फूगी। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, देख लो क्या बात है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और कैसी लगी आपको हमारी ट्रिप जरूर कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि उसमें आवाज आती टन करके। और सोनिया ने भी बनाया हुआ है FG करके, उसका FG एकेडमी करके यूट्यूब चैनल है, तो इसकी भी अकाउंट पे जाओ और देखो क्योंकि मेरे इसमें कुछ अलग मिलेगा, इसके इसमें अलग बनेगा क्योंकि एक जैसा बना तो मजा नहीं आती। तो मैंने जो चीज इसने शूट किया है वो मैंने नहीं किया और मैंने जो शूट किया है इसने नहीं किया था, तो जरूर जाए वहां पर। और ये एंड करने के पहले बताता हूँ मैं कि बहुत इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने, बहुत मजा आई हम लोगों को, और स्विमिंग पूल ये वो मस्ती मजाक डांस बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कैसा था कि बहुत सारी लेडीज थी तो इसकी वजह से मैंने स्विमिंग पूल का कुछ भी चीज इसमें नहीं डाला हुआ ना, हम लोग डाले हम दोनों इसमें नहीं है, थोड़े बहुत इंजॉयमेंट का मस्ती मजाक ये सब चीज की डाला हुआ ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो, कुछ गपशप मिल जाए, कुछ गपशप मिल जाए आप लोगों को। तो देखते रहिए और इंशाल्लाह और आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे हम दोनों के चैनल पे, तो देखते रहिए, सोनिया के भी इसमें जाइए और सब्सक्राइब करिए और टन करिए घंटी बजा दो जाके। तो चलिए वीडियो में यही खत्म करता हूँ, और कैसा लगा आप जरूर बताना। और हाँ साजिया का जो बर्थडे है और ये जो ट्रिप थी ये बहुत मजेदार थी, ये जिंदगी भर याद रहेगी, और इसी तरह से आगे भी ट्रिप अगर ग्रुप की जाती रहेगी या हम लोग सिंगल जाएगी कभी कुछ भी होगा तो आपको डालते रहेंगे इंशाल्लाह, तो देखते रहिए। और थैंक यू सो मच अरबाज शूट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये अभी भी शूट कर रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर जगह पे बहुत सारी वीडियोज जो है अरबाज ने ही निकाला है हर एक चीज का, तो थैंक यू सो मच अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलो फिर ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, तब तक के अपने भाईजान को, अपने भाईजान की फैमिली को, अपने भाईजान के बच्चों को दुआ में याद रखना। जय हिंद जय महाराष्ट्र।